जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, जो आपका EMD में सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट का फिजिकल हुआ था वो कंप्लीट होने के बाद जो आपका ऑफिशियल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। साथ ही साथ में जो आपके रिटर्न एग्जाम की डेट है और अब एग्जाम के साथ प्लस में आपके फाइनेंस सिलेक्शन के लिए कितना कॉम्पिटिशन बचा है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका ऑफिशियल रिजल्ट जो कि आपका PET का आउट हुआ है और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका रिटर्न टेस्ट। कौन सी पोस्ट के लिए? सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए। यहाँ पर है आपका कॉल लेटर नंबर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर जो आपका नेम है वो दिया गया है। तो इस तरीके से जो आपका रिजल्ट है ऑफिशियल फिजिकल का वो आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि टोटल कितने बच्चे आपके फिजिकल में पास हुए हैं, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 28,545 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की फिजिकल में पास हो चुके हैं। तो अब बात करें रिटर्न एग्जाम कब है और उसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है इसमें टोटल आपके 274 वैकेंसी हैं, जिसमें से SC की 20, ST की 28, OBC की 46, EWS की 18 और UR कैटेगरी के टोटल यहाँ पर 162 वैकेंसी रखी गई हैं। तो यहाँ पर जितने बच्चे आपके फिजिकल में पास हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी के लिए रिटर्न एग्जाम में अब यहाँ पर 104 जो कैंडिडेट हैं वो आपकी एक पोस्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है, चाहे हम इस एग्जाम की बात करें या फिर किसी अदर एग्जाम की बात करें, कभी भी 100% जो आपकी अटेंडेंस है वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है। तो इसे 104 नंबर को हम 2 या फिर 3 नंबर कम कर सकते हैं। ओवरऑल यहां पर आपका एक वैकेंसी के लिए मान सकते हैं कि रिटर्न एग्जाम में आपका 100 बच्चों के साथ जो कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका कंपटीशन अच्छा खासा है, जो आपकी तैयारी है वो आपको जबरदस्त तरीके से करनी होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने ओपन की हुई है। ज़रा आप नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है आपको प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपका फिजिकल कब स्टार्ट हुआ था, कब कंप्लीट हुआ है और अब यहाँ पर जो आपकी लिखित परीक्षा है यानी कि रिटर्न टेस्ट है वो आपका 24 मार्च 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। ये आपके रिटर्न एग्जाम की डेट है। अगर हम बात करें रिटर्न एग्जाम के कॉल लेटर आपके कब आउट किए जाएंगे, तो यहाँ पर 17 मार्च 2023 से जो रिटर्न एग्जाम के एडमिट कार्ड हैं वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका स्लॉट है वो आप 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बुक कर पाएंगे। तो यह आपकी डेट आपको ध्यान रखनी है। 24 मार्च आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा और 17 मार्च आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की डेट रहेगी। 11 से लेकर 16 मार्च तक रिटर्न एग्जाम के लिए जो आपका स्लॉट है वो आप बुक कर पाएंगे। अब जिन बच्चों को एग्जाम पैटर्न नहीं पता है उनको बता देते हैं कि टोटल यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो 75 नंबर का रहने वाला है, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके एग्जाम में टोटल 3 सेक्शन आने वाले हैं। पहला जो आपका सेक्शन है वो कैम्प्रीहेंशन का है, जिसके टोटल आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका GK का सेक्शन रहेगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी कि यहाँ पर आपको जो MCQ की बेस्ड है वो आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, इसके भी 25 नंबर रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका मैथ का पोर्शन है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये भी आपका 25 नंबर का रहने वाला है। तो यह आपका टोटल 75 नंबर का एग्जाम पैटर्न है। याद रखिएगा, जो फिजिकल था वो सिर्फ आपका क्वालिफिक नेचर का था, जो मेरिट आपकी बनेगी ना वो सिर्फ आपके रिटर्न टेस्ट यानी कि टोटल इसी 75 नंबर के ऊपर बनने वाली है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम की अच्छी खासी तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन भी आपका अच्छा खासा रहेगा, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर कीजिएगा। बाकी जो भी आपके आने वाले समय में अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।